रवाना हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा का दल सोनीपत से लखीमपुर खीरी रवाना हुआ है। किसान मोर्चा की सरकार को चेतावनी भी है, चेतावनी दी है। पीड़ितों और गवाहों को टारगेट ना किया जाए ये उन्होंने कहा, नहीं तो पक्का मोर्चा लगाएंगे। किसान नेता ने कहा कि अगर मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो पक्का मोर्चा लगाएंगे। ये तस्वीरों में आप देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा का दल सोनीपत से लखीमपुर खीरी रवाना हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा की सरकार को चेतावनी भी है, चेतावनी जारी की है कि पीड़ितों और गवाहों को टारगेट ना किया जाए। सोनीपत से राम सिंह बार हमारे संवाददाता इस खबर पर हमें पूरी जानकारी देंगे। राम सिंह बार, संयुक्त किसान मोर्चा का एक दल सोनीपत से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुआ है और इस दल में जो लोगों की तादाद है, किसानों की संख्या है, नेताओं की कितनी तादाद है और कौन कौन से बड़े नेता जो है किसानों के, वो लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए हैं? देखिए, जिस प्रकार से लखीमपुर खीरी के लिए जिस प्रकार रवाना किसानों का एक दल जो है वो रवाना हुआ है और पिछले दिनों जिस प्रकार से आंदोलन जो है लंबे समय से चला, उसके बाद तमाम प्रकार के मसलों को लेकर जो है एक सहमति भी बनी थी, लेकिन काफी मसले जो हैं जिनका अभी तक निदान नहीं हुआ, इसी को लेकर लगातार किसान जो है अलग अलग बैठकें जो है वो करते रहे हैं। और इसी क्रम में दिल्ली से सटे हुए जो कुंडली बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर है, वहां पर जो बैठक की गई है और एक दल जो है अब लखीमपुर के लिए रवाना हुआ है। क्योंकि खास तौर पर अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अजय उर्फ ट्रेनी मिश्रा को रैली, एक किसान की मौत जो हादसा हुआ था उसको लेकर जो है पूरे मसले को निष्पक्ष जांच करने के लिए और खीरी में जो पक्के मोर्चे लगाने की बात जो है वो सामने आ रही है और इसी को लेकर ये दल जो है रवाना हुआ है। हालांकि अभी सोनीपत से ये रवाना हुआ है, कई बड़े नेता जो है यहाँ से रवानगी करेंगे और एकजुटता के साथ जो है अलग अलग हिस्सों से जो किसान हैं वो एकजुट होंगे और अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास जो है वो यहाँ करने वाले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राम सिंह बार इस जानकारी के लिए। संयुक्त किसान मोर्चा का एक दल लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुआ है। लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर ये दल जो है वो निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर यह आरोप लगा था कि जानबूझकर गाड़ी किसानों पर चढ़ाई गई। उसके बाद इस पूरे प्रकरण को लेकर किसानों का यह मानना है, संयुक्त किसान मोर्चा का यह मानना है कि जबरदस्ती की जा रही है, पीड़ितों को परेशान किया जा रहा, टारगेट किया जा रहा है। इसके चलते ये किसानों का दल, किसान नेताओं का दल लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुआ है।